नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खास खबर। खास खबर में हमारा फोकस होता है उन खबरों पर जो दिन भर में चर्चा का विषय रहती हैं। ऐसी ही कुछ खबरें हम लेकर आए हैं खास खबर में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। क्या कुछ खबरें हैं, आइए दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला एक साल के अंदर छठी बार हुआ है। प्रदेश में जहरीली शराब ने लोगों की जिंदगियां छीन ली हैं। इस बार शिकार बना है अलीगढ़। यहां के चार थाना क्षेत्रों में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की तादाद 35 से भी ज्यादा हो चुकी है और अपनी जान गंवा चुके हैं। इस मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यही नहीं, कई लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई। डीएम ने घटना की मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दे दिए हैं। वहीं जिला आबकारी अधिकारी समेत 5 को निलंबित किया गया है। 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों की हालत अभी भी लगातार नाजुक बनी हुई है। करसुआ, अंडला, हैबतपुर, फतेहपुर, सुजापुर, छेरत गांव के साथ अब रायत गांव के 5 लोगों की मौत हो गई है। शराब पीने से गंभीर हालत में 15 लोग जेएन मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। घटना के बाद अपर मुख्य सचिव आबकारी विभाग के संजय एस भूस रेड्डी ने अलीगढ़ के जिला आबकारी अधिकारी धीरज शर्मा, आबकारी निरीक्षक राजेश कुमार यादव, चंद्र प्रकाश यादव, प्रधान आबकारी आरक्षी अशोक कुमार और आरक्षी रामराज राणा को निलंबित कर दिया है। तीनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। डीएम चंद्रभूषण सिंह ने मामले में एडीएम प्रशासन को मजिस्ट्रेट की जांच सौंप दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों पर एनएसए लगाने का आदेश देते हुए मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही है। जहरीली शराब करसुआ और अंडला के देसी शराब के ठेकों से खरीदी गई थी। देसी शराब की सभी दुकानों को बंद करने के साथ 5 शराब की दुकानों को सीज कर दिया गया है। पीड़ितों के कब्जे से मिली शराब को जाँच के लिए भेजा गया है। तो अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौतों ने एक बार फिर झकझोर कर रख दिया है और उत्तर प्रदेश में यह पहला मौका नहीं है जब जहरीली शराब ने जिंदगियां छीनी हों। ये छठा मौका है जब जहरीली शराब से इतनी संख्या में लोगों की जान गई है, कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिला आबकारी समेत 5 लोगों को सस्पेंड किया गया है। डीएम ने एडीएम प्रशासन को मामले की जांच सौंपी है। सीएम योगी ने आरोपियों पर एनएसए लगाने का आदेश किया है। और इस खबर पर हम सीधे चलते हैं, हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, ये जो जहरीली शराब से जिंदगियां गई हैं, ये दुखद घटना है बहुत, और पहला मौका नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब की वजह से मौतें हुई हैं। और कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन सवाल आज वही बना हुआ है कि आखिर कब तक नशे के सौदागर, जहरीली शराब बेचने वाले ये तस्कर लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते रहेंगे। जी, निश्चित रूप से और ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से जहरीली शराब से मौतें हुई है, इससे कहीं ना कहीं प्रशासन को भी एक गंभीर चेतना चाहिए, क्योंकि पिछले कई वर्षों से लगातार उत्तर प्रदेश में ये देखा जा रहा था कि जहरीली शराब, अवैध शराब से लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं। और पिछले एक वर्ष का अगर आंकड़ा देखा जाए तो सैकड़ों लोगों की संख्या है जिन्होंने जहरीली शराब पीने के बाद वो मृत्यु के ग्रास हो चुके हैं। सरकार को अब भी चेतना चाहिए, और अब जाके सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में एक अभियान के रूप में या अवैध शराब बनाते हैं, लेकिन ये काम नहीं हो सकता था। और किस तरह से आर्थिक तरीके से ये धंधा चल रहा था, उसको लेकर सरकार को और कड़े कदम उठाने चाहिए। लगातार उनकी ये कोशिश रही गई थी, लेकिन जब कोई घटना होती थी, कुछ लोगों की मौतें हो जाती थी, उसके बाद फिर वही ढाक के तीन पांच। और इससे ये मौतें जो है ये बड़ी हृदय विदारक है। तकरीबन अगर देखा जाए तो ये 4 सालों में कई 100 लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं, क्योंकि सरकार को लगातार अपनी ये फिक्र रहती है कि वो रेवेन्यू बढ़ाए, शराब को धीरे धीरे वो महंगा कर देती है, क्योंकि सस्ती शराब जो मजदूर क्लास के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं जो शराब पीते हैं, तो वो उनको लगता है कि सस्ती शराब जहां भी मिले उसको पिया जा सकता है।
और जहरीली शराब को सस्ती शराब समझकर पीते हैं और मौत के गले लग जाते हैं। लेकिन जो आंकड़ा इस समय बढ़ रहा है, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में ये बड़ी घटना है अलीगढ़ की, कि 35 लोग से अधिक लोग मौत के मुंह में चले गए हैं। और जाहिर सी बात है सरकार को अब इस पर और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि सरकार ने अपना कोलम पूरा किया है, करीबन आधा दर्जन अधिकारियों को निलंबित किया है, उसमें जिला आबकारी अधिकारी अलीगढ़ भी हैं। लेकिन ये क्या सिर्फ आबकारी अधिकारी के निलंबित हो जाने से ही ये मसला हल थोड़ा हो जाएगा, इसके लिए सरकार को और कड़े कानून बनाना चाहिए। बट साहब लेकिन एक बात और भी है, यकीन करना चाहिए कि सरकारी ठेकों पे अगर इस तरह की शराब बिकती है तो अवार को उसके लिए कड़े कानून लाना चाहिए। तो अब सरकार को ये देखना है कि अगर इस तरह से लोग सरकारी ठेकों पर जहरीली शराब पी के मरते हैं तो निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी किसकी है। जाहिर सी बात है ये जिम्मेदारी सरकारी और सरकार के अधिकारियों के ऊपर हो। बट साहब सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तक जो इसके पहले जो मामले सामने आए थे उसमें अवैध शराब जो है बड़ा कारण सामने आया था, जहरीली शराब पीने से जो मौतें हुई थी वो अवैध रूप से शराब जो बेची जाती है तस्करों द्वारा वो खरीद कर जो पी थी उससे ये सब कुछ हुआ था। लेकिन इस बार मामला बिल्कुल उलट है, देसी शराब के ठेके जो खुद सरकार ही नीलाम करती है और लाइसेंस देती है उनका, वहाँ से खरीद कर जो शराब पी गई है वो जहरीली निकली और उससे मौतें हुई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल पूरे सिस्टम पर है और सरकार की नाकामी को भी उजागर करता है कि किस तरह से ये जो है गोरख धंधा अब जड़ें जमा चुका है और देसी शराब के ठेकों पर भी जो मतलब है इस तरह की जो जहरीली शराब बिक रही है। जी अविनाश, पहले भी हम अपने चैनल के माध्यम से अपने व्यूवर्स को बताए हैं, इस पर चेताए भी हैं सरकार को भी और लगातार इस पर सरकार की कमियों को उजागर भी किए हैं। उत्तर प्रदेश में शराब माफिया, अवैध शराब माफिया, ये बहुत बड़े पैमाने पे काम करते हैं। ये बड़ा कुटीर उद्योग की तरह से ये काम कर रहा है और ये पहले भी कई वर्षों से लगातार हमने इस चीज पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया था। लेकिन बस थोड़े ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाता है, यानी कोई घटना होती है, 40-50 लोग मर जाते हैं, सरकार थोड़ा खाना पूर्ति करती है और उसके बाद मामला ढाक के तीन पात हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर लोगों की जाने क्यों जा रही है। जी। अगर सरकारी ठेकों पर अवैध शराब मिलेगी, जहरीली शराब मिलेगी जिसको विश्वास के साथ लोग पीते हैं कि हाँ ये कम से कम फायदा तो नहीं करेगी, नुकसान तो नहीं करेगी, तो जाहिर सी बात है सरकार को आखिर ये पता लगाना पड़ेगा कि इन ठेकों पर ये शराब जो जहरीली शराब है वो कैसे पहुंच रही है। जी। कौन सस्ती शराब के नाम पर इन ठेकों पर पहुंचा रहा है। जी। उन ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है और उत्तर प्रदेश में इस तरह के कितने ठेके चल रहे हैं जो जहरीली शराब बेच रहे हैं, इस पर भी सरकार को ध्यान बिल्कुल देखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है इसको एक बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज तरीके से एक अभियान चलाकर इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, कड़ी कार्रवाई की जरूरत है और लगातार मॉनिटरिंग की भी जरूरत है और इस दिशा में अब सरकार आगे क्या कुछ करती है देखना बाकी होगा। बट साहब आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं वैश्विक महामारी कोरोना की। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना जो है अब धीरे धीरे काबू में आता जा रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन के खिलाफ सरकार के बड़े अभियान और लोगों की जागरूकता का बड़ा असर सामने आने लगा है। प्रदेश में पहले जहां एक दिन में 24 घंटे में 30,000 से भी ज़्यादा संक्रमित मिल रहे थे, अब ये संख्या घटकर 2200 पर सिमट गई है। प्रदेश में अब कोरोना वायरस संक्रमण की रिकवरी दर भी बढ़कर 96.1% हो गई है और ब्लैक फंगस के 13 नए मरीज राजधानी के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में अब धीरे धीरे जो है कोरोना काबू में आता जा रहा है। इलाज के दौरान KJMU में 5 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इसके साथ ही अब तक राजधानी में अस्पतालों में जो ब्लैक फंगस के 303 मरीज भर्ती किए जा चुके हैं। इलाज के दौरान 31 मरीज दम तोड़ चुके हैं। KJMU में 24 घंटों के दौरान ब्लैक फंगस के 8 मरीज भर्ती किए गए। अब तक कुल 194 मरीज भर्ती किए जा चुके हैं। कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ने के बाद अब यूपी सरकार आंशिक कोरोना कर्फ्यू में ढील देने पर विचार कर रही है। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या में कमी और रिकवरी रेट में सुधार के बाद माना जा रहा है 31 मई के बाद सरकार चरणबद्ध तरीके से कुछ पाबंदियां हटा सकती है। 1 जून से बाजार खोलने और सरकारी और निजी दफ्तरों को भी सीमित संख्या में कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खोलने के आदेश जारी हो सकते हैं।
सूत्रों की माने तो सरकार दिन में तो कुछ ढील दे सकती है, लेकिन रात और साप्ताहिक कर्फ्यू जारी रखे जा सकते हैं। और इस पर हम सीधे चलते हैं, इस खबर पर हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, कोरोना जो है वो धीरे धीरे काबू में आता जा रहा है, संक्रमितों की तादाद कम हो रही है, लेकिन ब्लैक फंगस ने जो चिंता बढ़ाई है वो बरकरार है। हालांकि अभी भी मौतों का आंकड़ा जो है बरकरार है, मौत होने का जो सिलसिला है वो जारी है कोरोना की वजह से, लेकिन काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश में नियंत्रण में है स्थिति। और अब जब अनलॉक की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है तो वहाँ पर भी अब देखा जाएगा कि किस तरह से जो है पाबंदियाँ हटाई जाएँ, कितनी छूट दी जाए कितनी नहीं, इस पर भी विचार मंथन चल रहा है। मौजूदा स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश की, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। अब ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में 2247 मरीज कुल 24 घंटे में पाए गए हैं, निश्चित रूप से ये अब तक का सबसे निचतम आंकड़ा है। यानी कि सरकार कहीं ना कहीं लगातार जो काम कर रही थी, मुख्यमंत्री टीम 9 के साथ जो काम कर रहे थे, लगातार ये कोशिश थी, उसका नतीजा अब धीरे धीरे जमीनी लेवल पर दिखने लगा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आंकड़े कम हुए हैं अन्य राज्यों के मुकाबले, तो जाहिर सी बात है कि सरकारी मशीनरियां, खासतौर पे मुख्यमंत्री के द्वारा जो खुद मॉनिटरिंग की जा रही थी, उसका कहीं ना कहीं फायदा मिला है। और 2247 आंकड़े 24 घंटों में पाए गए हैं, उसके साथ साथ 157 लोगों की मौतें हुई हैं। मौतों का आंकड़ा अभी उतना बड़े पैमाने पर नहीं कम हो पा रहा है, लेकिन निश्चित रूप से कहा जाए कि ये घटते हुए क्रम में है। और जिस तरह से 1 जून से जो अनलॉक करने की बात चल रही है, क्योंकि सारी गतिविधियां ठप हैं, समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सारी दुकानें, सभी जो अन्य कार्यालय हैं वो सब बंद हैं, तो लोगों को यह चिंता है कि उनकी आने वाले दिनों में और कठिनाइयां ना हो, कम से कम उनके जो रोजगार हैं वो धीरे धीरे चलें। तो सरकार दिशा में अब अनलॉक की पोजिशन में जा रही है, क्योंकि अभी कल का समय और शेष है, 31 तारीख सुबह 7 बजे तक जो है वो आरसी कोरोना कर्फ्यू प्रभावी है। अब सरकार को ये तय करना है कि ये 1 जून से इसको धीरे धीरे चरणबद्ध तरीकों में खोला जाए, कि नाइट कर्फ्यू बरकरार रखा जाए या शनिवार इतवार 2 दिन आंशिक कोरोना कर्फ्यू लागू रहे। तो ये तमाम चीजें अभी सरकार के जो आला अधिकारी हैं उनको तय करना है कि वो जो मुख्यमंत्री को सलाह दें और फिर मुख्यमंत्री उस पर निर्णय लें, या मुख्यमंत्री के पास जो जिस तरह के फीडबैक है उस फीडबैक के हिसाब से वो आगे काम करेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि आगे का जो जनजीवन है वो पूरी तरह सामान्य हो, लोगों की आर्थिक गतिविधियां चलें, पटरी व्यवसायी, रेहड़ी के व्यवसायी, छोटे दुकानदार, ये सब अपने कामों को लगातार रोजमर्रा के जीवन में आए, और लोगों की जो आमदनी है वो महीने के हिसाब से फिर आगे बढ़े। क्योंकि अभी सब कुछ बंद है, बहुत सारे लोग जो दैनिक कमाने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, सरकार को इसकी भी चिंता है। और दूसरा ये है कि व्यवसायिक गतिविधियां है वो पूरी तरह से ठप है, सरकार लाख दावे कर ले कि औद्योगिक प्रतिष्ठान खुले हुए हैं, लेकिन मजदूरी नहीं जा पाएंगे तो औद्योगिक प्रतिष्ठान भी ज्यादा नहीं चल पाएंगे। तो इस दिशा में सरकार को आगे कदम बढ़ाने पड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा सहूलियत यहाँ नागरिकों को देनी पड़ेगी, और जिस तरह की व्यवसायिक गतिविधियां हैं उसको संचालित करना पड़ेगा, सुविधाएं देनी पड़ेंगी, तब जाके प्रदेश फिर से पटरी पर आएगा। और उसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जो सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना इस समय काबू में नहीं है, वहां ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, PHCs को और अपग्रेड करके वहां पे तमाम मेडिकल सुविधाएं प्रदान करनी है, ये सब सरकार को देखना है, दवाओं की उपलब्धता, ये तमाम व्यवस्थाएं करनी है। ब्लैक फंगस की अगर हम बात करें तो 50,000 इंजेक्शन विदेश से अभी आया है, और उसके उत्तर प्रदेश के हिस्से में भी थोड़े इंजेक्शन मिले हैं, लेकिन वो नाकाफी हैं, कहीं ना कहीं अभी और ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की काफी आवश्यकता है। अब ये तमाम चीजें अविनाश जब सरकार करेगी तब जाकर जो है कुछ मामला बन सकता है। और इसके साथ साथ जो सबसे जरूरी चीज है कि 1 जून से 18 से 45 साल के लोगों के वैक्सीनेशन के काम में गति लानी है, ये भी सरकार को देखना है। लोग जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे भी जो है इन तमाम चीजों को गतिमान करना है, तो ये तमाम व्यवस्थाओं में निश्चित रूप से सरकार को बहुत ही आगे कठिन कार्य करने हैं। और निश्चित रूप से वैक्सीनेशन का काम हो या CHCs PHCs को अपग्रेड करके उसको लोगों को सुविधाएं देने का काम हो, ये देखना ये है कि सरकार किस तरह आगे इस पर अपने कदम बढ़ा रही है और आगे व्यवस्थाएं दुरुस्त हो रही है।
यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो भट्ट साहब, भले ही कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हुई है लेकिन चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं सरकार के सामने। अनलॉक की चुनौती है और किस तरह से पूरी तरह से जड़ से समाप्त किया जाए कोरोना को, दूसरा वैक्सीनेशन बहुत बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश में हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके और इस अभियान को भी जो है सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके, ये बहुत बड़ी चुनौती है और सरकार उस दिशा में काम भी कर रही है। देखना होगा कब तक व्यवस्थाएं ठीक हो पाती हैं और कोरोना से हमें कब तक मुक्ति मिल पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना से जो है लड़ाई उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है और अब उत्तर प्रदेश भी अब जो है अनलॉक होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है क्योंकि जिस तरह से संक्रमण की रफ्तार कम हुई है, लेकिन देखना होगा कि किस तरह से ये कर्फ्यू में ढील दी जाती है, क्या पाबंदियां हटाई जाती हैं, कितनी छूट दी जाती है और किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो ठप सी पड़ गई थी अर्थव्यवस्था उसको सुचारू रूप से चालू करने के लिए क्या कुछ प्रयत्न किए जाते हैं।